परविंदर जी, क्या कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम मान सरकार नजर आ रही है? क्योंकि स्वर्ण मंदिर में एक बार फिर से खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जब भी ये समागम होता है, जब देखिए जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जी, तो उसका एक लंबा इतिहास है। उसमें जाने के मैं नहीं समझता कि मैं दोबारा जाया जाए, क्योंकि वो एक राजनीति से प्रेरित था और उसके अंदर जब भिंडरांवाले सराय में रह रहे थे तब तो उनको गिरफ्तार नहीं करा गया, लेकिन जब आगे चुनाव होने थे तो उन्होंने उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को करा गया। वहां पे वो दिन चुना गया जिस दिन एक गुरुपुरब था, उसको किसी और तरीके से भी करा जा सकता था, लेकिन गुरुपुरब वाले दिन जहाँ पे हजारों लोग वहां पे नतमस्तक होने आए थे, उस दिन ये ऑपरेशन ब्लू स्टार करा और हजारों लोगों की जाने गई वहां। तो उसके लिए ही उनकी आत्मिक शांति के लिए हर साल स्वर्ण मंदिर के अंदर ये समागम मनाया जाता है। कुछ लोग जो है भावनाओं से प्रेरित होकर, बड़े चंद लोग हैं, अगर वो खालिस्तानी नारे लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति खालिस्तानी समर्थक है। और मैं आपको बताऊं, जब भिंडरांवाला का समय था, ना भिंडरांवाला ने कभी खालिस्तान की मांग की, ना आज कोई खालिस्तान की मांग करता है। ये खालिस्तानी जो स्ट्रक्चर है, ये पॉलिटिकली बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। पहले भी पॉलिटिकली बनाया गया था और आज भी बनाया गया है। कोई कनाडा से खालिस्तान मांगता है, कोई अमेरिका से मांगता है, कोई स्पेन से मांगता है, लेकिन उन लोगों का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। भारत में रहने वाले जितने भी सिख हैं, उसमें 99.9% 0.1% कुछ चंद लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, और वो वही लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस बात को इतना बवाल करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वहां पे उनको श्रद्धांजलि सभा है, वहां पे लोग आते हैं, वो हर साल जो लोगों ने अपनी जाने गंवाई है उनकी आत्मिक शांति के लिए वहां पे पाठ रखे जाते हैं और समागम करा जाता है और पूरा सिख समाज वहां पे इकट्ठा होता है, और उसमें खालिस्तानी एलिमेंट नहीं है। अगर किसी चंद लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो भीड़ के अंदर चंद लोग हो सकते हैं। सर, भिंडरे वाले के यहाँ पर पोस्टर भी हाथों में दिखाई दे रहे हैं, तमाम लोगों के हाथों में, एक दो नहीं है, तमाम लोग हैं जो वीडियो हम चला रहे हैं इस वक्त। मैं उसका रीजन बताता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, जो भिंडरा वाले थे वो कभी खालिस्तानी समर्थक नहीं थे, और जो भिंडरा वाले थे सिखों की दमदमी टकसाल एक बहुत बड़ी नियंग जत्थेबंदी है जिसका बहुत सम्मान है, उसके 14वीं मुखी थे, इस करके उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। लेकिन जो खालिस्तानी लोग हैं उसको भिंडरांवाले से जोड़ते हैं ताकि वो लोग आहित हों, तो ये एक पॉलिटिक्स के उनको ठीक है। परविंदर जी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा।